महिला प्रीमियर लीग 2024 का फाइनल मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल और आरसीबी के बीच खेला गया। इस मैच में दिल्ली कैपिटल की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। दिल्ली कैपिटल की तरफ से कप्तान मेग लैनिंग और शेफाली वर्मा ने अच्छी शुरुआत की। शेफाली वर्मा मात्र 27 गेंद पर 44 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर दिल्ली कैपिटल के लिए अच्छी नींव डालने में सफल रही, लेकिन शेफाली वर्मा के आउट होने के बाद दिल्ली कैपिटल की टीम ताश के पत्ते की तरह बिखर गई और बेहतरीन शुरुआत के बावजूद दिल्ली कैपिटल की टीम सिर्फ 113 रन पर ऑल आउट हो गई। आरसीबी की तरफ से सबसे शानदार गेंदबाजी करते हुए श्रेयंका पाटिल ने 4 विकेट लिए, वहीं सोफी मोलिनेक्स ने 3 विकेट और शोभना आशा ने 2 विकेट झटके। अब यहां से स्मृति मंधाना की आरसीबी को खिताब जीतने के लिए मात्र 144 रन का लक्ष्य मिला। जवाब में स्मृति मंधाना और सोफिया डिवाइन ने आरसीबी के लिए शानदार शुरुआत की। दोनों ने 49 गेंद पर 49 रन की साझेदारी कर आरसीबी को जीत की तरफ अग्रसर कर दिया। सोफिया डिवाइन 32 रन और स्मृति मंधाना 31 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौट गई। उसके बाद एलिस पेरी और ऋचा घोष ने आरसीबी का विकेट गिरने नहीं दिया। एलिस पेरी 35 रन पर नाबाद रही तो ऋचा घोष 17 रन बनाकर अंत तक डटी रही। दोनों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी को इस मैच में 8 विकेट शेष रहते जीत दिला दिया और इस तरह आरसीबी की टीम फाइनल में दिल्ली कैपिटल की टीम को 8 विकेट से हराकर महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीतने में सफल हो गई।